बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने मार्केट के चैप्टर टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, बस वही टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं मार्केट के, वही सिलेबस में इंक्लूड होंगे। उससे नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसके हम सिर्फ 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके 2 लास्ट डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमारा मिलकर सिलेबस होगा, उसके बाद आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, जब तक आप लोगों के मिड के एग्जाम्स नहीं स्टार्ट हो जाते। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर नंबर 5। इसमें सबसे फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ कंजम्पशन, अमाउंट ऑफ मनी विच इज स्पेंट ऑन कंज्यूमर गुड एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। ऐसी इनकम जो हम चीज़ों पर कंज्यूमर गुड्स पर खर्च कर रहे हैं वो कंजम्पशन है। हम क्यों खर्च कर रहे हैं, हम क्यों परचेज करते हैं चीज़ें, Why we purchase goods gives satisfaction। हम किस लिए परचेज करते हैं, क्योंकि हमें सेटिस्फाई करते हैं। जैसे हम एप्पल परचेज कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको खाने का दिल होगा तो हम परचेज करेंगे। कोई भी चीज़ अगर हमें वो सेटिस्फेक्शन दे रही है, हम उसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम उसे परचेज करेंगे। इसके एक और डेफिनेशन है कमोडिटी और सर्विस, कमोडिटी और सर्विस विच इज़ नॉट यूज फॉर सेटिस्फाइंग अ ह्यूमन वांट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कंजम्पशन। सॉरी, ये डेफिनेशन इसकी एक्सटेंशन है कि ऐसी गुड्स जो कि ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई नहीं करती वो कंजम्पशन में इंक्लूड नहीं होती। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल दी है, एक पर्सन आम खरीदता है, मैंगोज खरीदता है, लेकिन वो उसको नहीं खाता, वो ख़राब हो जाते हैं उसके मैंगोज। वो खरीदता है लेकिन वो ख़राब हो जाते हैं, वो उसको खाता नहीं है, तो उसकी कंजम्पशन में इंक्लूड नहीं होगा। कंजम्पशन वो है जिससे उसे सेटिस्फेक्शन मिली है, उसने यूज़ किया है, ह्यूमन माइंड की सेटिस्फेक्शन जो है वो कंजम्पशन है। उसे नेक्स्ट मूव करते हैं मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है, अगर वैसे देखा जाए तो यूटिलिटी का मतलब फायदा होता है, किसी चीज़ का फायदा हम सोचते हैं। इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा कंसेप्ट इसका मुख्तलिफ है, सेटिस्फेक्शन की तरफ आ जाता है कि अगर एक पर्सन को कितनी सेटिस्फेक्शन हो रही है एक चीज़ यूज़ करने पर। फायदे से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को फोकस करिए इकोनॉमिक्स, क्योंकि यूटिलिटी बहुत सारी हार्मफुल चीज़ों में भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम कोई पर्सन सिगरेट यूज़ करता है, उसके लिए उसमें यूटिलिटी है क्योंकि वो सिगरेट पीता है, लेकिन जो नहीं पीता उसके लिए यूटिलिटी नहीं है। लेकिन ये एक हार्मफुल चीज़ है तो इसलिए हम फ़ायदे की चीज़ नहीं बोल सकते, इसलिए इसको उन्होंने टर्म को थोड़ा सा मुख्तलिफ कर दिया, सेटिस्फेक्शन की टर्म में इसकी डेफिनेशन कर दी यूटिलिटी की। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, इट इज़ मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन an individual gets from the consumption of the commodities। यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फेक्शन है जो एक पर्सन इंफरादी तौर पर हासिल करता है चीज़ों को कंज्यूम करके। जैसे मैंने अभी आपको बताया वो चीज़ें जो है वो हार्मफुल भी हो सकती हैं, तो इसलिए यूटिलिटी जो है वो सेटिस्फेक्शन के टर्म में आएगी, यूजफुलनेस के टर्म में नहीं आएगी। अकॉर्डिंग टू योर बुक द एट्रीब्यूट क्वालिटी पावर करेक्टरिस्टिक और कैपेसिटी ऑफ अ गुड। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, वो भी खसूसियत होती है, क्वालिटी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स गुड्स की जो एक ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करें, वो यूटिलिटी है। इट कैन बी गुड और बैड, हार्मफुल और यूजफुल, कि अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी सिगरेट की एग्जांपल, इस तरह बहुत सारी वाइन की एग्जांपल ले सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें जो नुकसानदेह हैं लेकिन वो लोग यूज़ करके सेटिस्फेक्शन लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो यूटिलिटी में इंक्लूड हो जाएंगी, लेकिन यूजफुलनेस से ये चीज़ें निकल जाएंगी। A utility is a measure of how much one enjoys a movie, favorite food or other goods। कि एक person जो है वो किस चीज़ को कितना enjoy कर रहा है, किस चीज़ से कितना satisfy हो रहा है, वो utility है। It varies with the amount of desire। लेकिन अगर एक चीज़ की कहते हैं change होती है desire के साथ, एक चीज़ की ख्वाहिश एक वक्त में आपको एक चीज़ की ख्वाहिश ज़्यादा होती है, कुछ time के बाद उस चीज़ की ख्वाहिश कम हो जाती है, तो utility उसकी decrease हो जाती है आप लोगों के लिए, तो ये change होती रहती है। Suppose we went to a restaurant and ordered your favorite food। आप एक रेस्टोरेंट में गए, फेवरेट फूड ऑर्डर किए, what will you experience? Either the food satisfies your taste buds or not। अब एक दिन आप गए हैं खाना खाने, आपको अच्छा लगा है, आपने खा लिया है, ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी फर्स्ट डे, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। सेकेंड डे जाएंगे, थोड़ी सी पहले से कम हो जाएगी सेटिस्फेक्शन। थर्ड डे भी उसी जगह पे वही खाना खाने जाएंगे, थोड़ी सी और कम हो जाएगी। इस तरह यह है कि आपकी यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे इसी एग्जांपल को नेक्स्ट आप रीड करें, अनदर डे यू वेंट टू अनदर रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर द सेम फूड, इज द एक्सपीरियंस द सेम?
मे बी और मे नॉट बी, तो आपकी यूटिलिटी जो है वो डिफरेंस हो सकती है उस पॉइंट पे. सिमिलरली इफ यू ईट योर फेवरेट आइसक्रीम यू विल बी हैप्पी, वट विल हैपन इन द सेकेंड राउंड, अगर उसके बाद दोबारा विल यू बी सेटिस्फाइड वन आफ्टर द अदर राउंड, अगर आप उसके बाद भी अपने राउंड करते जाओगे आइसक्रीम, वही आइसक्रीम जो आपकी फेवरेट है वो खाते जाओगे उसी टाइम पे जब आपको उसकी डिजायर है, आपने वो आइसक्रीम खाई उसी वक्त आपने उसकी एक सेकेंड आइसक्रीम ले ली, थर्ड आइसक्रीम ले ली, तो उसकी यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी. द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर इज द बेसिस ऑफ यूटिलिटी फंक्शन. अच्छा एक बात इसकी एग्जाम्पल और माइंड में रखें, जैसे एक पानी का ग्लास है, मैंने आपसे शायद पहले भी ये बात डिस्कस की, अगर आप वो पीते हैं, आपको प्यास लगी है, आपने पानी का ग्लास पिया है, तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन जब आप सेकंड ग्लास पियेंगे तो यूटिलिटी कुछ ना कुछ कम हो चुकी होगी, कि अगर दूसरा ग्लास नहीं भी मिलेगा तो आपका गुजारा चल सकता है, आपको इतनी डिजायर नहीं है उसकी, लेकिन जब आप थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ग्लास तक चले जाएंगे तो आपकी कैपेसिटी खत्म होती जाएगी आप, तो इसका मतलब है आपकी यूटिलिटी उस चीज़ के लिए सेटिस्फेक्शन जो है वो डिक्रीज होती गई, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके पास पानी पीने की गुंजाइश नहीं है, तो वो यूटिलिटी जो आपकी है वो नेगेटिव भी हो जाएगी, जीरो जीरो के बाद नेगेटिव भी हो जाएगी. यहाँ पे इसकी कुछ कंक्लूजन दिए इन्होंने, अ यूटिलिटी ऑफ अ गुड डिफर्स फ्रॉम वन कंज्यूमर टू अनदर, चॉइसेस पर डिपेंड करती है, एक जो यूटिलिटी है एक गुड एक चीज़ की वो एक पर्सन के लिए मुख्तलिफ और दूसरे पर्सन के लिए मुख्तलिफ हो सकती है, जैसे एक पर्सन को कंप्यूटर की जरूरत है, एक पर्सन को लैपटॉप की जरूरत है, तो दोनों के लिए यूटिलिटी डिफरेंट है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग फॉर द सेम कंज्यूमर ड्यू टू चेंज इन अमाउंट ऑफ डिजायर, किस एक सेम पर्सन जो है उसके लिए भी ये चेंज हो सकती है कि उसकी जो अगर उसकी डिजायर चेंज हो जाए. ये भी करैक्टरिस्टिक्स इसकी रीड करेंगे तो इसकी डिटेल रीड करेंगे अभी इसी सेकंड पॉइंट की. उसे नेक्स्ट इट शुड नॉट बी इक्वेटेड विद इट्स यूजफुलनेस. अभी हमने डिस्कस किया यूजफुलनेस और सेटिस्फेक्शन का आपस में रिलेशनशिप नहीं है इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी के अंदर, क्योंकि एक चीज़ सेटिस्फाई करी है जरूरी नहीं कि उसका फायदा भी हो. अब करैक्टरिस्टिक्स इसकी रीड करते हैं. सबसे फर्स्ट इसकी करैक्टरिस्टिक है इट इज डिपेंडेंट अपॉन इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन वांट और रिलेशनशिप डेट एग्जिस्ट बिटवीन द कंज्यूमर एंड कमोडिटी. देखिए एक चीज़ एक कंज्यूमर एक कमोडिटी यूज़ कर रहा है तो उसकी अटैचमेंट उस चीज़ के साथ ज़्यादा है तो उसे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगी. एक पर्सन की कम है उसे वो चीज़ इतनी नहीं चाहिए उसे सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी. यूटिलिटी डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे कि कितनी जो ह्यूमन है उसको इस चीज़ की वांट कितनी है, उस चीज़ की ख्वाहिश कितनी है. इट इज़ इमेजरेबल, ये क्वांटिटीज में मैयर नहीं होती. फिर भी हम यहाँ पे सपोज करेंगे, जैसे अभी नीचे आप टेबल और ग्राफ देखेंगे तो वहाँ पे आप अपनी बुक के अंदर वहाँ पे देखेंगे आपकी यूटिलिटी को उन्होंने मैयर किया हुआ है, 1 से 2 से 10 यूटिलिटी आपको मिल रही है, 8 मिल रही है, तो वो आप फर्जी उन्होंने लिए हुए हैं नंबर्स. अदरवाइज यूटिलिटी है उसको हम बकायदा मैयर नहीं कर सकते कि हमें किस कदर सेटिस्फेक्शन मिली है. जैसे अगर आप पानी का ग्लास पीते हैं तो आप उसे नंबर्स में नहीं बता सकते कि आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है उस चीज़ से, लेकिन यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं कि आपको एक पानी का ग्लास पीने से मैक्सिमम यूटिलिटी मिल गई है 10. तो ये हम क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम अपने नंबर्स फर्ज कर लेते हैं. अ यूटिलिटी सब्जेक्टिव, इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म और शेप. एक जो यूटिलिटी है वो अपनी फॉर्म या शेप चेंज करके भी चेंज हो जाती है. जैसे कि सेम टाइम में लकड़ी की जो यूटिलिटी है वो चेंज होगी एक पर्सन के लिए और फर्नीचर की चेंज होगी. इट डिपेंड्स ऑन नॉलेज, नॉलेज पे भी डिपेंड करता है. एक चीज़ एक पर्सन की एक चीज़ का नॉलेज है तो उस चीज़ के लिए उस पर्सन के लिए वो चीज़ ज़्यादा फायदेमंद है, अगर उसको नॉलेज नहीं है तो उसके लिए फायदेमंद नहीं है. इसकी एक एग्जाम्पल आप सिंपल सी बच्चों के खिलौने भी ले सकते हैं. एक बच्चा है बहुत छोटा सा, वो गाड़ी के साथ नहीं खेल सकता, उसे नहीं पता गाड़ी क्या चीज़ है, बिस्तर पे लेटा है सिर्फ, तो वो उसके लिए उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, उसे पता ही नहीं है उस चीज़ से कैसे खेलना है, तो उसके लिए सेटिस्फेक्शन कम होगी. एक बच्चा जो उसे चल रहा है, उससे खेल रहा है, उसे चला रहा है, उसके उसके लिए उसकी यूटिलिटी डिफरेंट होगी. यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लिखी है अ लैपटॉप फॉर कंप्यूटर स्टडी स्टूडेंट. जैसे कि एक स्टूडेंट जो है कंप्यूटर स्टडी कर रहा है उसके लिए लैपटॉप की कितनी ज़रूरत है और जो नहीं कर रहा उसके लिए कितनी है. जैसे बहुत सारे लोग हैं मोबाइल नहीं यूज़ कर लेते हैं तो उनके लिए इनफ होता है, लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं उनको लैपटॉप की ज़रूरत होती है, उन्हें अपने बहुत सारे काम के लिए ज़रूरत होती है, तो यूटिलिटी डिफरेंट हो जाती है. यहाँ पे यूटिलिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग प्लेस के चेंज होने से भी यूटिलिटी चेंज हो जाती है. जैसे एक लकड़ी की जंगल के एरिया में और
जैसे लकड़ी की जो है यूटिलिटी वो जंगल में मुख्तलिफ होगी, अगर वो डेजर्ट के एरिया में होगा तो उसकी यूटिलिटी डिफरेंट होगी। यानी कि जंगल में बहुत सारी लकड़ी होगी, तो अगर वो पर्सन कोई भी अगर वहाँ लकड़ी लेने जाएगा तो वो, या फिर कोई वहाँ पे स्टे कर रहा है, तो लकड़ी की इसके लिए वैल्यू कम होगी, यूटिलिटी कम होगी। लेकिन वही वुड की यूटिलिटी डेजर्ट एरिया में जहाँ पे लकड़ी नहीं मिल रही वहाँ पे ज़्यादा होगी। चेंजेस विद द सीजन और टाइम, सीजन और टाइम के साथ भी चेंज होता है। जैसे हमने च्वाइसेस लिखा है, च्वाइस टाइम के साथ चेंज हो जाती है, सीजन के साथ। एक पर्सन सर्दियों में टी ले रहा है, लेकिन वो गर्मियाँ जैसे ही आती हैं, समर्स आती हैं, तो वो कोल्ड ड्रिंक लेना स्टार्ट कर देता है, तो यूटिलिटी यहाँ पे डिफरेंट होगी। अब से नेक्स्ट हम डिस्कस करें टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, लेकिन ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल मेंटली रिलैक्स होकर इसको आपने समझना है। टोटल यूटिलिटी क्या है? जितनी टोटल सेटिस्फेक्शन मिलती है चीजों को कंज्यूम करने से, द सम ऑफ टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स की कंजम्पशन की उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन जितनी मिली है वो टोटल यूटिलिटी है हमारे पास। टोटल सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, और यहाँ पे टी यू से इसे शो किया हुआ है। और इन अदर वर्ड्स देखें, यहाँ पे इन टोटल के अंदर ही, और इन अदर वर्ड्स द सम ऑफ यूटिलिटीज ऑफ आल यूनिट्स कंज्यूम्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, एक टाइम में आपको प्यास लगी, आप एक ग्लास पानी पीते हो, दूसरा ग्लास पीते हो, तीसरा ग्लास पीते हो, तो यूटिलिटी पहले ग्लास की 10 थी। सपोज कर रहे हैं पहले ग्लास की यूटिलिटी आपके लिए 10 थी, दूसरे की आपके लिए हो गई 8, क्योंकि आपको डिजायर थोड़ी सी कम हो गई है। थर्ड की यूटिलिटी उससे थोड़ी सी कम हो गई, 6 हो गई आप लोगों के लिए उसकी डिजायर। तो जैसे जैसे यूटिलिटी कम होती जाती है वो उन सब यूटिलिटीज को ऐड कर लो। अगर आपने 5 गिलास पानी पिया है तो फर्स्ट की यूटिलिटी 10 थी। लेट्स सपोज 2 गिलास पानी पिया आपने, फर्स्ट की यूटिलिटी 10 थी, सेकंड की 8 थी, तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 18। अगर आपने 3 गिलास पानी पिया है तो थर्ड की यूटिलिटी 6 हो गई आप लोगों के लिए, सेकंड से भी थोड़ी सी कम हो गई, 6 हो गई, 5 हो गई, 4 या कितनी भी हो गई, आपकी डिजायर पर डिपेंड करता है। तो उन यूटिलिटीज को जमा कर लें। पहले की 10 थी, सेकंड की 8 थी, थर्ड की 6 लगा ली हमने, तो इन जो इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? ऑलमोस्ट हमारे पास 24 डिजिट आएगा राउंड अबाउट। तो वो 24 जो टोटल है वो टोटल यूटिलिटी है। टोटल सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी को टी यू से शो किया गया है। यहाँ पे इक्वेशन देखें, यू वन प्लस यू टू प्लस यू एन तक जितनी क्वांटिटीज आप यूज करते हैं सारी को टोटल कर लें तो आपके पास टोटल यूटिलिटी आ जाती है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी पे आ जाएं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कंजम्पशन। अगर आप एक चीज यूज कर रहे हैं, आपने एक ग्लास पानी पी लिया, सेकंड ग्लास पीने के लिए आप एक्स्ट्रा यूनिट ले रहे हैं, सेकंड ग्लास एक दूसरा यूनिट है, उसकी कंजम्पशन के लिए जितनी सेटिस्फेक्शन एडिशनल सेटिस्फेक्शन हुई, जितनी एडिशनल सेटिस्फेक्शन हुई वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। जैसे पहले आपने आपको 10 यूटिलिटी मिल गई थी एक ग्लास पानी की, सेकंड ग्लास पानी पिया आपने तो आपको 8 यूटिलिटी मिल रही है। तो एक एक्स्ट्रा ग्लास पीने से आपको कितनी यूटिलिटी ऐड हो रही है? टोटल यूटिलिटी में कितनी यूटिलिटी ऐड हो रही है? 8 पहले की 10 थी, सेकंड की 8 ऐड हो रही है, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी सेकंड ग्लास की 8 होगी। उसे नेक्स्ट हम मूव करते हैं 3 ग्लास अगर आपने पानी पिया तो, थर्ड ग्लास की यूटिलिटी कितनी थी? 6 थी आपकी। तो देखिए यहाँ पे आपकी 6, जब 3 ग्लास पानी पिया थर्ड ग्लास की यूटिलिटी आपके पास 6 थी, आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 24 हो गई। आपकी टोटल यूटिलिटी 24 हो गई, लेकिन आपकी जो मार्जिनल है वो 6 हो गई, क्योंकि अगर आपने एक्स्ट्रा एक और ग्लास पी लिया थर्ड ग्लास, तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली? 6 और यूटिलिटी मिली, पहले वाली में 6 और ऐड हो गई, तो वो 6 जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। एडिशनल यूनिट जो आप यूज करते हैं, इट डिक्रीजेस विद द ईच एडिशनल इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ अ गुड। जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, आप कंजम्पशन को इंक्रीज करते जाएंगे तो आपकी यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। एक चीज को आप अगेन अगेन कंज्यूम करेंगे तो उसकी यूटिलिटी जो है सेटिस्फेक्शन वो आपको कम से कम होती जाएगी। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी को एम यू से शो किया गया है। मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला ये होता है कि टोटल यूटिलिटी जो आपके पास होती है, टोटल यूटिलिटी आती है, आपको सारी चीज़ें ऐड करके टोटल यूटिलिटी आती है, उसको क्वांटिटी के साथ जो चेंज इन क्वांटिटी है उसके साथ। उससे नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी क्या है?
वन कैन ऑब्टेन इट बाई ड्राइविंग द टोटल यूनिट ऑफ कंजम्पशन बाई नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स. जितना टोटल कंजम्पशन है उसको हम टोटल यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी. यहाँ पे इसका फार्मूला भी गिवन होगा, देखिए हम टोटल यूटिलिटी टी यू टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय एन, जितनी क्वांटिटीज हमने जितने ग्लास हमने पानी के पिए उस टोटल यूटिलिटी को उन ग्लासों की तादाद से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज यूटिलिटी आ जाएगी कि एक ग्लास के हमें एवरेज कितनी यूटिलिटी मिलेगी. अच्छा उससे नेक्स्ट आता है सैचुरेशन पॉइंट. सैचुरेशन पॉइंट क्या है? When marginal utility is zero and the total utility is maximum. जब marginal utility हमारे पास zero हो जाए और total maximum हो जाए. ये कैसे होता है? जब एक consumer है उसको satisfaction full हो गई है, जैसे उसने 5 glass पानी पिए तो उसको full satisfy हो गया वो उस चीज़ से. अब वो next उससे 1 glass भी consume करेगा तो उसको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो उस वो क्या होगा तब उसके लिए उस मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, फुल सेटिस्फेक्शन का पॉइंट हो जाएगा और टोटल यूटिलिटी वहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी. उसको टोटल जितनी यूटिलिटी से चाहिए थी उसे मिल गई है सेटिस्फेक्शन. उसके बाद क्या होगा? नेगेटिव यूटिलिटी. उसके बाद अगर फिर भी अगर उसको फुल वो फुल हो चुका है, फुल सेटिस्फेक्शन मिल चुकी है, फिर भी वो 1 glass पानी पीता है तो उसकी यूटिलिटी जो है नेगेटिव होना शुरू हो जाती है. कि अगर वो मजीद पानी पिएगा तो उसको सेटिस्फेक्शन तो फुल मिल चुकी है जितनी उसे चाहिए थी, अब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, अब उसे वो चीज़ बुरी लगना शुरू हो जाएगी. कोई भी चीज़ है अगर वो खरीद रहा है उसे चीज़ अच्छी लगी है तो उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम होगी. जैसे वो उस चीज़ को खरीदता रहेगा यूटिलिटी डिक्रीज होती रहेगी और एक टाइम ऐसा आएगा उस चीज़ की यूटिलिटी उसके लिए नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि उस चीज़ की वो चीज़ की इतना कंज्यूम कर चुका है कि उसकी सेटिस्फेक्शन पूरी हो चुकी है. आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट यूटिलिटी विल बी नेगेटिव. यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी और जब यूटिलिटी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी वहाँ पे टोटल यूटिलिटी भी हमारी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. अच्छा बस यहीं तक ही आप टॉपिक देख लें, उसके बाद वीडियो को पॉज करें, काइंडली वीडियो को पॉज करें और आप अपनी बुक्स खोल लें. वीडियो को पॉज करें, बुक खोलें, उसमें जो टॉपिक है आपका यूटिलिटी एंड कॉन्सेप्ट्स इसके टाइप्स हैं उसे नेक्स्ट इसके डायग्राम और टेबल दिए गए इसको रीड करते हैं हम आपकी बुक्स के थ्रू. तो काइंडली आप अपनी बुक्स ओपन कर लें. यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी अगर आपको देख नजर आ रहा हो तो यहाँ पे एक टेबल गिवन है. इस टेबल को गौर से देखें, आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुने और टेबल को गौर से देखें. यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है, मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है और टोटल यूटिलिटी गिवन है. जब आपने कोई भी यूनिट कंज्यूम नहीं किया वहाँ पे आप तो जीरो हैं, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी जीरो है और टोटल यूटिलिटी भी जीरो है. अब देखिए फर्स्ट यूनिट आपने कंज्यूम किया है फर्स्ट यूनिट तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, टोटल यूटिलिटी हमारी आपकी 10 है. उस नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं सेकंड, अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो सेकंड में देखिए यूटिलिटी आपकी कम हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम हो गई. पहले आपको 8 यूटिलिटी मिली थी एक चीज़ कंज्यूम करने से, अब उसके दूसरा यूनिट कंज्यूम करने से यूटिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है. आप यूनिट पूरा का पूरा एक ही इंक्रीज कर रहे हो लेकिन यूटिलिटी जो है वो 10 से 8 हो गई है और आपकी टोटल यूटिलिटी जो है वो 10 से 18 हो गई है, टोटल 10 से 18 हो गई है. इस तरह आप थर्ड अगर कंज्यूम कर रहे हो तो मार्जिनल आपकी कितनी हो गई है थर्ड कंज्यूम करने पे, आप गौर से देखिए थर्ड कंज्यूम करने पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है जो एडिशनल आपको मिल रही है वो 6 है और टोटल जो हो गई आपके पास 24 यूटिलिटीज हो गई, 24 सेटिस्फेक्शन आपको टोटल मिल गई. इस तरह आप देखते जाए 5 नंबर तक उन्होंने कंज्यूम किया और उनकी टोटल यूटिलिटीज ऐड होती गई. 6 जब उन्होंने 6th यूनिट कंज्यूम किया, जब 6th यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई क्योंकि उस चीज़ की ख्वाहिश अब नहीं रही थी, वो उस चीज़ से फुल सेटिस्फेक्शन ले रही थी तो यहाँ पे यूटिलिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी और टोटल में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि अब यूटिलिटी जब तक इंक्रीज हो रही थी टोटल इंक्रीज हो रहा था. अब जब यूटिलिटी मार्जिनल जीरो हो गई है आपके टोटल में कोई इजाफा नहीं होगा क्योंकि आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिल चुकी है. उसके बाद भी अगर 6th के बाद भी अगर आप वो चीज़ कंज्यूम करते हो 7th यूनिट भी ले लेते हो उस चीज़ का, 7th यूनिट भी ले रहे हैं अगर आप उस चीज़ का तो फिर आपकी यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि आपको 7th की आप 6th में फुल हो गए थे, 5-6 तक आप लोगों को उसके बाद उस चीज़ की ख्वाहिश नहीं थी. अगर फिर भी आप वो चीज़ ले रहे हो तो फिर उसकी यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी और आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी क्योंकि टोटल यूटिलिटी जो है वो आपकी मार्जिनल को ऐड करके बन रही है तो वो आपकी जितनी अगले यूनिट की है. अब देखिए मैंने आपको बताया टोटल जितनी आपको टोटल मिल रही है यूटिलिटी
तो जब आपको नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएगी तो फिर वो टोटल में से डिस्काउंट होना शुरू, कट होना शुरू हो जाएगा। तो टोटल में से अगर 7th यूनिट यहाँ पे इन्होंने कंज्यूम किया तो इनकी मार्जिनल यूटिलिटी थी -2, तो इनकी टोटल यूटिलिटी जो थी उनमें से 2 माइनस हो गया, क्योंकि वो अब उन्हें चीज़ नुकसान देना शुरू हो गई है या उनसे वो डिससेटिस्फाई करना शुरू हो गई है, तो वो टोटल सेटिस्फेक्शन में से वो 2 कम कर दें। टोटल सेटिस्फेक्शन 30 थी, टोटल सेटिस्फेक्शन 30 थी, अब दो दो जो पॉइंट्स हैं कम हो गए सेटिस्फेक्शन के एक एक्स्ट्रा 7th यूनिट कंज्यूम करने से, तो वो हम पीछे चले जाएंगे 2 यूनिट, 28 टोटल हो जाएगी हमारी। उस नेक्स्ट 8 पर जाएंगे अगर, तो 8 यूनिट कंज्यूम करने पे यूटिलिटी जो है वो -4 हो जाएगी, 2 पॉइंट और कम हो गई यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी भी 24 हो जाएगी और मजीद कम हो जाएगी। यहाँ पे हाईलाइटेड कुछ पॉइंट्स हैं, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है जब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है उस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी जो मैक्सिमम है 30 सबसे मैक्सिमम यूटिलिटी है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेज, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होना शुरू हो जाती है टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये 3 है, इसको अगर आप डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें, आप लोग काइंडली खुद इसका ये एक दफ़ा डायग्राम बना के जरूर देख लीजिएगा। ये डायग्राम आपने एक साइड पे आपने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के नंबर्स लिए हैं, जैसे उन्होंने नेगेटिव तक नंबर्स लिए हैं, आपको पता है कि नेगेटिव जीरो के बाद आता है तो जीरो से नीचे नंबर लिए हैं उसके, और पॉजिटिव के जीरो से ऊपर नंबर लिए हैं, और हॉरिजॉन्टल पे आप उन्होंने लिया है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। तो यहाँ पे आप अगर आप ड्रॉ करेंगे इन्हीं नंबर्स को जो पीछे आपने टेबल देखा है इन्हीं को लेके अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो मार्जिन का कर्व कुछ इस टाइप का आएगा, जैसे कि नीचे कर्व है और टोटल का कर्व ऊपर को जाता है, टी जो है वो टोटल यूटिलिटी के कर्व को शो कर रहा है और एम जो मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व को शो कर रहा है। तो सैचुरेशन पॉइंट का है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो जीरो है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। देखिए आप नोट करें, जहाँ पे आपकी यूटिलिटी जो है जीरो है मार्जिनल, वहाँ पे आपको मैक्सिमम टोटल मिल रही है, सबसे ऊपर जा रहा है कर्व, सबसे ऊपर पीक पॉइंट है ए पॉइंट, ए को उन्होंने ए का नाम दिया है पीक पॉइंट है। इसके बाद जो यूटिलिटी वो डिक्रीज होना शुरू हो गई है और मार्जिनल जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो गई है। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है, काइंडली से आप एक दफ़ा बना के भी देख लीजिएगा।